कहते हैं कि बाबू तुम्हारा समय था, हमारा दौर आएगा, और तुम्हारे समय को लोग भूल कर हमारे दौर को याद करेंगे। जिस तरीके से आज साउथ अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को 134 रनों से करारी मात दी, उससे कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि वो साउथ अफ्रीका की टीम जिसको लोग चोकर बोलते थे, जिसको लोग ये कभी फेवरेट टीम में नहीं रखे, यानी कि वर्ल्ड कप 2023 में कभी भी फेवरेट टीम में नहीं रही साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों ने, साउथ अफ्रीका के बॉलरों ने दमदार प्रदर्शन किया और दुनिया के 9 टीमों को ये बताया कि हम भी फेवरेट टीम की लिस्ट में हैं। अगर बात की जाए कि आज ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी हार रही, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो आज हार रही वो 134 रनों से उन्होंने ये मैच गंवाया, और ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बल्लेबाज ने हाफ सेंचुरी नहीं मारी, चाहे हम बात करें डेविड वार्नर की, हम बात करें मैक्सवेल की, हम बात करें स्टीवन स्मिथ की, हम बात करें मार्कस स्टोनिक की, हम बात करें लवशेन की, कोई बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया। वहीं अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक ने लगातार अपनी दूसरी सेंचुरी लगाई, यानी कि पहली सेंचुरी उन्होंने दिल्ली में लगाया था श्रीलंका के खिलाफ, दूसरी सेंचुरी उनकी आई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जो पिच, ये माना जा रहा था कि इस पिच पर 250 रन, 255 रन हाईएस्ट हो सकता है, उस पिच पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 311 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिया। जिस तरीके से आज इस मैच में क्विंटन डिकॉक ने 109 रनों की पारी खेली, साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बबुमा ने 35 रनों की पारी खेली। अगर वहीं बात की जाए एडन मार्करम, जो इस वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगा चुके हैं, उन्होंने भी 44 बॉलों पर 56 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में 7 चौके और 1 छक्के शामिल रहे। या आप साफ तौर से कह सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही, 5 बार उन्होंने विश्व कप अपने नाम किया, 2015 में विश्व कप अपने नाम किया, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं वो अभी तक लड़खड़ाती नजर आ रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जिस तरीके से पहले मैच में उन्होंने 199 पर अपने आप को ऑल आउट करवा दिया, दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 177 रनों पर आउट टीम हो गई वो टीम। यानी कि जिस तरीके से आज कसिगो रबाडा, लुंगी एंगेडी, तबरेज़ शम्सी ने बॉलिंग की, वो अपने आप में वाकई में काबिलियत तारीफ थी। वहीं अगर बात की जाए तो क्विंटन डिकॉक ने साउथ अफ्रीका के लिए लगातार 2 मैचों में शतक लगाने के मामले में एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी कि एबी डिविलियर्स की अगर बात की जाए तो एबी डिविलियर्स ने 2011 के वर्ल्ड कप में लगातार 2 सेंचुरी लगाई थी, वही क्विंटन डिकॉक ने भी लगातार 2 शतक लगाए। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो जो उनके सबसे सफल गेंदबाज रहे मैक्सवेल, जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 10 ओवर में एक मिडन ओवर फेंक कर 34 रन देकर 2 सफलताएं अपने नाम की। वहीं स्टार्क जो हैं, मिचेल स्टार्क ने 9 ओवर में एक मिडन के साथ 53 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किया। अगर बात की जाए एडम जाम्पा की, तो एडम जाम्पा काफ़ी खर्चीले साबित हुए, 10 ओवर में 70 रन देकर मात्र अपने नाम एक विकेट उन्होंने हासिल किया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप पूरे तरीके से फ्लॉप रही। अगर सबसे ज़्यादा रन बनाने की बात करें तो मार्नस लवसेन ने बनाए, उन्होंने 46 रन बनाए, यानी कि 46 रन बनाने के चक्कर में उन्होंने 74 गेंदों का सामना किया। एक समय जिस तरीके से मिचेल स्टार्क आते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाज है, उन्होंने भी 51 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली। वहीं अगर बात की जाए मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ की, यानी कि जो उनके टॉप बैटिंग ऑर्डर हैं, एक नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 के, तो मिचेल मार्श ने 7 रन, डेविड वार्नर 13 रन और स्टीवन स्मिथ ने मात्र 19 रन बनाए। जिस तरीके से आज साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी रही, यानी कि आप बात करेंगे लुंगी एंगेडी की, लुंगी एंगेडी ने 8 ओवर में 2 मिडन डालकर मात्र 18 रन दिए और वहीं एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा विकेट के मामले में तो कसिगो रबाडा रहे, जिन्होंने 8 ओवर में 1 मिडन के साथ 33 रन देकर 3 सफलताएं अपने नाम की। यानी कि आप साफ तौर से कह सकते हैं इस मैच में पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बहुत बुरी हार हुई। यानी कि अब ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम कहीं न कहीं 2023 के वर्ल्ड कप से बाहर होती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच में दमदार प्रदर्शन किया, और कहा जाता है कि अगर आपको जोखिम लेना होगा तो डार्लिंग थोड़ा डेयरिंग दिखाना होगा, उसी तरीके से आज साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम ने बल्लेबाजी की, लुंगी एंगेडी, कसिगो रबाडा ने गेंदबाजी की,
लेकिन इस पूरे मैच में जो सबसे अच्छी चीज़ निकल कर आई कि ये टीम जो साउथ अफ्रीका की पुरानी टीम थी उससे कहीं ना कहीं अलग दिखी, यानी कि टोटल अटैकिंग मोड, जो खिताब हम लोग लगातार देते थे, जो हम लोग लगातार श्रेय देते थे इंग्लैंड की टीम को, आज वो टीम लगातार अपने दो मैचों में जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने दिखाया कि अटैकिंग में आप बैटिंग कीजिए और गेंदबाजों पर चढ़कर खेलिए, यानी कि पहले मैच में वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाया साउथ अफ्रीका ने 428 रनों का, और आज लखनऊ जैसी धीमी पिच पर भी उन्होंने 311 रनों का लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलिया को, जो कि ऑस्ट्रेलिया नाकाम रही। ऐसे ही वर्ल्ड कप से जुड़ी हर खबर के लिए, हर रिकॉर्ड के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।